हेलो एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पीरियस दिवाली। तो जिस तरह दिवाली में हम अपने घर में नए सामान की शॉपिंग करते हैं, इसी तरीके से अपने पोर्टफोलियो में भी हम नए अच्छे स्टॉक्स को ऐड करना चाहते हैं। तो अपनी एनालिसिस के बेसिस पे मैं 10 ऐसे स्टॉक पिक करके लाई हूँ जिसे आप इस दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग के ड्यूरेशन में अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और आप भी अपनी एनालिसिस लगा के इन स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से 10 स्टॉक है, इसका हम आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग का जो टाइमिंग है वो 1 नवंबर 6 PM से 7 PM के बीच में है, जिस बीच में आप शेयर्स की बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसा मैं बोलती हूं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। अगर आप शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो साथ में आपका म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जानना चाहते हैं कि आपके फंड परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, तो वहाँ पर हम आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम आपका गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करने में भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सब सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पिक करते हैं हम अपना पहला स्टॉक। पहला स्टॉक मैंने पिक किया है किन्स टेक्नोलॉजी का। ये एक IoT इनेबल्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ लाइक एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, रेलवेज, डिफेंस, न्यूक्लियर, इन सभी इंडस्ट्रीज़ को IoT मींस इंटरनेट ऑन थिंग्स इनेबल्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके की जो कंपनी है, इनका जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है। पिछले एक सालों में इस स्टॉक में कंसिस्टेंट ग्रोथ भी देखने को मिली है। डेट फ्री कंपनी है, सेक्टर लीडर है और फिलहाल ये 5300 के आसपास ट्रेड कर रही है। कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छा आया है, तो इस स्टॉक को आप इस साल कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक मैंने पिक किया है VBL, जो एक FMCG सेक्टर की कंपनी है, पेप्सिको की लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी कंपनी है। तो जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स या वाटर बोटल आप यूज़ करते हैं, जैसे मिरिंडा, 7 अप, पेप्सी, तो इन सभी की ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है। कंपनी सेक्टर लीडर है, डेट फ्री है, रिटर्न रेशियोज़ भी कंपनी के अच्छे हैं और मल्टी बैगर स्टॉक रही है। तो इस स्टॉक को भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। थर्ड स्टॉक मैंने पिक किया है CDSL का। तो जिस तरीके से लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ रही है, नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, आज की डेट में अराउंड 20 करोड़ से ज़्यादा डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन हैं, लोग इसको यूज़ कर रहे हैं तो जिस तरीके से डिपॉजिटरी सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो वहाँ भी इस स्टॉक में भी आने वाले टाइम में काफ़ी ब्राइट फ्यूचर देखने को मिल रहा है। और जैसा कि NSE की सब्सिडरी कंपनी है NSDL, तो उसका भी IPO आ सकता है। तो अगर उसका IPO आता है तो रिलेटिवली इस स्टॉक में भी अच्छी मूवमेंट देखने को आगे मिल सकती है। और जैसे जैसे नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट ओपन होंगे तो इस स्टॉक में भी अच्छी ग्रोथ हमको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। डिपॉजिटरी सेगमेंट में काफ़ी अच्छा आने वाले टाइम में फ्यूचर में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ये कंपनी भी डेट फ्री है, रिटर्न रेशियोज भी कंपनी के अच्छे हैं और प्रॉफिटेबल है, तो इस स्टॉक को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। फोर्थ कंपनी मैंने पिक की है AngelOne की। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जितने भी मैंने अभी तक स्टॉक आपको बताए हैं वो डिफरेंट सेक्टर से हैं, तो जो भी मैंने 10 स्टॉक यहाँ पे पिक किए हैं वो डिफरेंट सेक्टर्स के स्टॉक है। तो AngelOne की जो कंपनी है, जो एक ब्रोकिंग एंड AMC प्लेटफॉर्म है, तो अभी मैंने आपको बताया कि लोगों के बीच में इन्वेस्टमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस बन रही है, तो इस सेगमेंट के जो स्टॉक्स हैं उसमें आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर चाहे ट्रेडिंग है या फिर इन्वेस्टमेंट है, दोनों ही पर्पज़ इस प्लेटफॉर्म को लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साथ ही में कंपनी डेट फ्री है, रिटर्न रेशियोज कंपनी के अच्छे हैं, प्रॉफिटेबल है, कंपनी डिविडेंड भी देती है एंड 70% के CAGR से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी है, तो इस स्टॉक को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। फिफ्थ कंपनी मैंने पिक की है प्रूडेंट की। ये एक प्योर म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि लोगों के बीच में म्यूचुअल फंड को लेके जो है वो काफ़ी अवेयरनेस बढ़ रही है। आज की डेट में अराउंड 3.5 करोड़ पब्लिक जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही है और आने वाले टाइम में ये जो डेटा है वो काफ़ी स्पीड से बढ़ने वाला है, तो इस कंपनी में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कंपनी के रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिटेबल है और इनकी सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, तो इस स्टॉक को भी आप अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर कर सकते हैं। और जैसा मैंने भी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि म्यूचुअल फंड में आजकल लोगों की अवेयरनेस जो है काफी बढ़ रही है, लोग इसमें बहुत तेजी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट करिए। और अगर इन्वेस्टेड हैं तो आप हम आपका पोर्टफोलियो भी रिव्यू करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप डिटेल्स के लिए चेक करें।
नेक्स्ट कंपनी मैंने पिक की है जियो फाइनेंस की, जो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। पहले ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का हिस्सा थी, बाद में ये डीमर्ज होकर एक सेपरेट एंटिटी बन गई और फिलहाल ये डिजिटल मोड में सभी तरीके के फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी का ज़्यादा फोकस जो है वो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने पर है। इस कंपनी ने फिलहाल हाल ही में जो है ब्लैक रॉक, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट असेट मैनेजर कंपनी है, उसके साथ कोलैबोरेशन किया है और ये ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में भी ये कंपनी आने वाली है। तो कंपनी का जो प्रॉस्पेक्ट्स है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म का है और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो भी कंपनी है होती है उनका विजन जो है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म होता है। तो इस तरीके के स्टॉक्स को आप ऑफकोर्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है 323 पे। नेक्स्ट स्टॉक मैंने पिक किया है KEI का, जो एक केबल सेक्टर की कंपनी है और एवरग्रीन बिजनेस है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, चाहे वो रियल एस्टेट हो या फिर ऑटोमोबाइल्स हो, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में इनके प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं, तो एवरग्रीन बिजनेस है। सेकेंड नंबर पर ये आती है, पहले नंबर पर पॉलीकैब का नाम आता है, दूसरे नंबर पर KEI आता है। मल्टीबैगर स्टॉक है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर भी है और साथ में कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो भी अच्छा आया है, प्रॉफिटेबल कंपनी है और फिलहाल ये 3800 पे ट्रेड कर रही है। तो इस स्टॉक को भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक मैंने ज्वेलरी सेक्टर से पिक किया है, जो है मोती सन्स ज्वेलर्स का, न्यूली लिस्टेड ये कंपनी है। फिलहाल ही इसका IPO आया था, IPO में काफ़ी अच्छा आया, इसमें डिमांड देखने को मिली थी, 100 टाइम से ज़्यादा ये सब्सक्राइब भी हुआ था। और जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में फेस्टिव सीजन चल रहा है, शादियों का सीज़न आने वाला है, तो इस स्टॉक में भी अच्छी डिमांड देखने को मिल सकती है क्योंकि इनका बिजनेस जो है वो काफ़ी आगे बढ़ने वाला है। और ज्वेलरी सेक्टर की काफ़ी सारी कंपनी हमने देखी है, चाहे वो सेनको हो या कल्याण ज्वेलर्स हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न अभी तक बना के दिए हैं। तो इस स्टॉक से भी अच्छी एक्सपेक्टेशंस है कि ये स्टॉक भी आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 288 पे ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो इस स्टॉक को भी आप जो है एक बार चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक मैंने पिक किया है डॉम्स इंडस्ट्रीज़ का, जो स्टेशनरी सेगमेंट की कंपनी है, इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। ये फिलहाल ट्रेड कर रही है 2600 पे। कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है इस कंपनी ने, कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, सेक्टर लीडर है, डेट फ्री है, रिटर्न रेशोज भी कंपनी के अच्छे हैं, तो इस स्टॉक को भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और लास्ट स्टॉक मैंने पिक किया है फार्मा सेक्टर से, जो है कॉनकॉर्ड बायोटेक का स्टॉक, तो इस स्टॉक को भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है 1820 पे। इस स्टॉक ने पिछले एक साल में 50% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है। API मैन्युफैक्चर करती है ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो इस स्टॉक को भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो ये थे आज के 10 स्टॉक्स जो मेरी एनालिसिस के बेसिस पे मैंने पिक किए हैं। आप चाहें तो इन स्टॉक्स को एनालिसिस कर सकते हैं और आप भी अपने पोर्टफोलियो में इन स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर हैं तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप कैसा लगा, इस पर आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर इससे रिलेटेड और भी आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको आने वाले टाइम में मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए। एंड अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पीरियस दिवाली। थैंक यू।